नमस्कार आपण देखुछंती आमरी ओडिसा आतंकवादी आक्रमण नै देशवासी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उद्बोधन कहते वर्तमान समय देश में भावना अलगा अच्छी आतंकवादी को सीमा अरपटे भी देशर जवान पराक्रम देखा स्थिति रे पूरा देश एकजुट अच्छी मोदी एथस सेना उपर देशर भरोसा अच्छी प्रधानमंत्री एभली स्थित सेनार मनोबल कम है भाई कम करवा उचित नुहे तेज आतंकवाद को दमन करने देश कौन परिस्थिति में अटक ना एक समस्त को जनवाक हो तेज समस्ते राष्ट्र निर्माण में निजर दायित्व को पूर्ण करतु आह्वान देते मोदी आज देश नुआ रीति और नीति रे आगू को बढ़ुची भारत आज आत्मविश्वास रे भरपूर हो रही भारत एक हो रढ़ लड़ब जितबी कहते मोदी देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए साथियों जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है जब आतंकी हमला करता है तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए हमारी गति रुक जाए हमारा देश थम जाए उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के चट्टान बनकर के खड़ा होना है उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा न देश की प्रगति थमेगी देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है हम सब पराक्रमी भारत के नागरिक हैं इसलिए हम सबको भी सिपाही बनकर देश की समृद्धि और देश में सौहार्द के लिए दिन रात एक करना होगा मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले